गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 11 संस्कृति और सभ्यता पाठ पढ़ाऊंगी। संस्कृति और सभ्यता, ये दोनों शब्द हैं ना, इन दोनों शब्दों के मायने जो है अलग अलग है। सभ्यता मनुष्य का वह गुण है जिससे वह बाहरी उन्नति करता है, और संस्कृति मनुष्य का वह गुण है जिसके द्वारा वह भीतरी उन्नति करता है। दया ममता और परोपकार सीखता है। गीत नाद कविता चित्र और मूर्ति से आनंद लेने की योग्यता प्राप्त करता है ना। तो एक समय वह भी था जब मनुष्य को घर बनाना नहीं आता था ना। मनुष्य ऐसा था पहले कि उनको घर बनाना नहीं आता था। जब वह पेड़ की छाया या पहाड़ की खो में, खो अर्थात गुफा दर्रा ना, तो गुफा में वास करता था। पहले मनुष्य को घर बनाना आता नहीं था, तो लोग कहाँ निवास करते थे? पेड़ की छाया में और या तो पहाड़ों की खो में अर्थात गुफा में। जब मनुष्य को खेती करना नहीं आता था तो वह कंदमूल फल खाकर अपना गुजारा कर लेता था, और जंगली जीवों को गोश्त खाकर, कच्चे मांस खाकर जो है अपने जीवन का गुजारा कर लेता था। जब मनुष्य को कपड़ा बुनना नहीं आता था तो वह नंगा ही रहता था, और या तो पेड़ों के पत्तों की छाल ना, पेड़ों की छाल पर पहनकर या जानवरों की खाल पहनकर गुजारा करता था। तो पेड़ों की छाल जानवरों की खाल पहनकर मनुष्य जो है पहले के अपनी लाज छिपाता था। इस हालत को मनुष्य की असभ्यता की हालत कह सकते हैं ना, इस हालत की मनुष्य की असभ्यता की हालत हम लोग कह सकते हैं। लेकिन इस हालत से निकलकर आदमी ज्यो ज्यो आगे बढ़ा त्यों त्यों वह सभ्य होता गया। यानी जब मनुष्य खेती करके अनाज उपजाने लगा, घर बनाकर रहने लगा और कपड़े पहनने लगा ना, तब वह असभ्यता से निकलकर सभ्यता की ओर आने लगा ना। आज भी रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन और अच्छी पोशाक, ये सभी सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इनकी जितनी अधिकता होती है वह देश उतना ही सभ्य माना जाता है ना। जहाँ पे अच्छे अच्छे मकान रहेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियां रहेंगी, लंबी चौड़ी सड़कें रहेंगी ना, अच्छा भोजन रहेगा, अच्छी पोशाकें रहेंगी, मतलब अच्छी वेशभूषा रहेगी, तो उस देश को उतना ही अधिक सभ्य माना जाने लगा है। लोग उतना ही अधिक उस देश को सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति इन दोनों से अलग है। वह मोटर नहीं, मोटर बनाने की कला है ना। संस्कृति जो होती है वह मोटर नहीं है, जैसे मोटर बनाने की जो कला होती है वह संस्कृति। मकान नहीं, मकान बनाने की जो रुचि है ना वह है। जैसे अच्छे भोजन का सामान हम सभ्यता के जरिए पैदा करते हैं, लेकिन उसके बनाने किस तरीके से तैयार किया जाता है और जिस कला से हम उसे खाते हैं वह हमारी संस्कृति पर ही निर्भर है। प्रत्येक सभ्य आदमी सुसंस्कृत अर्थात सुंदर संस्कारों से युक्त ना, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है सुसंस्कृत मतलब अच्छे संस्कार या सुंदर संस्कारों से युक्त होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अच्छी से अच्छी पोशाक पहनने वाला आदमी भी तबीयत से नंगा होता है ना, मतलब बेकार होता है, और नंगा होना संस्कृति के खिलाफ है। संस्कृति धन नहीं गुण है ना, संस्कृति ठाट बाट नहीं विनय और विनम्रता है जो मनुष्य व्यवहार से दिखती है। एक कहावत है कि सभ्यता वह है जो हमारे पास है, लेकिन संस्कृति वह है जो हमें छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, गाय भैंस बैल घोड़े आदि या मोटर और हवाई जहाज भी होते हैं, मगर ये सारी वस्तुएं हमारी सभ्यता के सबूत हैं, जिनसे यह कहा जा सकता, यह जाना जा सकता है कि जिंदगी की मोटी और बाहरी सुविधाएं हमने कहां तक हासिल की है, मतलब दिखावा जिसको कहा जाता है ना। लेकिन संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखाई नहीं देती, वह बहुत ही सूक्ष्म और महीन होती है, और प्रत्येक हमारी प्रत्येक पसंद और हमारी आदत में छिपी होती है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। कपड़ा तैयार करना
करना सभ्यता का काम है, लेकिन उसका रंग रूप कैसा हो यह हमारी संस्कृति बताती है। हथियार गढ़ना सभ्यता का काम है, लेकिन हथियार किसी को मारना ठीक है या नहीं यह हमारी संस्कृति हमें बताती है। आज दुनिया बड़े बड़े बम और दूसरे हथियार मतलब बना रही है, क्योंकि सभ्यता के मामले में दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन संस्कृति पुकार पुकार कह रही है कि इन बमों और हथियारों को काम में मत लाओ, क्योंकि इससे दुनिया बर्बाद हो जाएगी। एक बात और है कि आदमी के भीतर छह विकार, मनुष्य के भीतर छह विकार माने जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मदमोह और मत्सर ना, ये जो है मनुष्य के छह विकार माने जाते हैं। वे प्रकृति के दिए हुए हैं, मगर ये विकार यदि बेरोक छोड़ दिए जाए तो आदमी इतना गिर जाएगा कि उसमें और जानवर में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। यदि मनुष्य के अंदर ये छह विकार काम, क्रोध, मोह ना, काम, क्रोध, लोभ, मदमोह और मत्सर, ठीक, मत्सर इसमें जैसे कि मत्सर का अर्थ होता है द्वेष ना, या ईर्ष्या, जलन जिसको कहा जाता है। इसलिए आदमी इन विकारों पर रोक लगाता है, कोशिश करता है कि इन विकारों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, बल्कि इसको घटाना चाहिए। गुस्सा ज्यादा नहीं कम होना चाहिए और लोभ, मोह, मद, मत्सर को हद में ही रहना चाहिए। इन दुर्गुणों पर जो आदमी जितना ज्यादा काबू पा लेता है उसकी संस्कृति जो है उतनी ही ऊंची मानी जाती है। संस्कृति का काम आदमी के दोष को कम करना है, इसके गुण को बढ़ाना है। आदमी भी एक तरह का जानवर ही है, लेकिन जानवर के गुण यानी पशुत्व को छोड़कर जितना ही आगे बढ़ता है उसकी संस्कृति जो है मनुष्य की उतनी ही अच्छी होती जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जैसे कि जब दो देशों या जातियों के लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एक जाति का धार्मिक रिवाज दूसरी जाति का धार्मिक रिवाज बन जाता है और एक देश की आदतें दूसरे देश की आदतों में समा जाती हैं। इसलिए संस्कृति की दृष्टि से वह देश उतना ही समृद्ध और धनी समझा जाता है जितने ज्यादा से ज्यादा देशों या जातियों की संस्कृति का विकास हुआ। ऐसे देशों में भारत का नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग संस्कृति के मामले में बहुत ही उदार माने जाते हैं, बहुत ही बड़े थे, मतलब उदारता इनके अंदर विद्यमान थी। यही नहीं, हम जिसे अपनी संस्कृति कहते हैं वह एक जाति या कुछ थोड़े से लोगों की संस्कृति नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय से जो जातियां इस देश में आती रही हैं उन सब की संस्कृतियों का प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ते रहे और उन्हीं प्रभावों को ठीक से अपने भीतर पचाकर हमारी संस्कृति इतनी विशाल और उदार हो गई है कि आज भी वह पूरी दुनिया की संस्कृति को आईना दिखाती है और उसमें आईना बन सकती है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संस्कृति जब तक किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ ना, भारतीय संस्कृति का जब जब किसी विदेशी संस्कृति से मिलन हुआ है तब तब हमारी संस्कृति में एक नई ताजगी आ गई। असल में भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु बड़े पैमाने पर चार बार आया है और इन चारों मौकों पर हमारी फुलवारी में जो लहलहाहट पैदा हुई है, जैसे जो फूल खिले वे हमारी संस्कृति को आज भी ताजा बनाए हुए हैं ना। तो इसमें जैसे राम भाई सिंह का मैं बता रही हूँ, तो इन्होंने संस्कृति की चार अध्याय लिखे हैं, तो ये इसी आधार पे हैं कि जैसे जो फूल खिले वे हमारी संस्कृति को आज भी ताजा बनाए हुए हैं। इन चार अध्याय में पहला अध्याय वह है जब आर्य इस देश में आए और द्रविड़ जाति से मिलकर उन्होंने संस्कृति की नींव डाली। जब आर्य आए तो द्रविड़ जाति से मिलकर इन्होंने इस संस्कृति की नींव डाली, जिसे हम हिंदू या भारतीय कहते हैं। दूसरा अध्याय वह है जब संस्कृति कुछ पुरानी हो गई और उसके खिलाफ महात्मा बुद्ध और महावीर ने विद्रोह किया ना, जैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म आया, जिसके फलस्वरूप बहुत से रूढ़ियां दूर हुई और संस्कृति एक बार फिर से नवीन हो गई। तीसरा अध्याय
वह है जब इस देश में मुसलमान आए, ना मुसलमानों का शासन आया और हिंदू धर्म में से इस्लाम का संबंध हुआ। और चौथा अध्याय वह है जब भारत की मिट्टी में हिंदुत्व और इस्लाम दोनों का संबंध ईसाई धर्म और यूरोप के विज्ञान और बुद्धिवाद से हुआ, ना? तो अभी मैंने आप लोगों को संस्कृति और सभ्यता नामक पाठ पढ़ाया ना, तो संस्कृति और सभ्यता में अंतर बताया कि संस्कृति क्या है। संस्कृति मनुष्य के भीतरी गुणों का विकास करती है ना, उन्नति करती है, और सभ्यता मनुष्य के बाहरी की बाहरी तरक्की करता है, बाहरी गुणों का विकास करता है। ठीक, तो अभी मैंने आप लोगों को संस्कृति और सभ्यता नामक पाठ पढ़ाया, अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।